मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में जो मुख्य भाग है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है, जिसको कि ओरल कैविटी कहते हैं। इस मुख गुहा में या ओरल कैविटी में कुछ खास क्षेत्र आते हैं, कुछ खास भाग आते हैं। उन भागों में टीथ है यानी दंत है, और दूसरे टंग है, और तीसरी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स यानी सलाइवरी ग्लैंड्स मुख्य रूप से आती है, लार ग्रंथियाँ जिसको हिंदी में कहते हैं। तो तीन मुख्य भाग आ गए ओरल कैविटी में, एक तो टीथ, दूसरे टंग और तीसरे स्लेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ। तो इन तीन मुख्य भागों में आज ये समझेंगे कि टीथ क्या है, यानी इसका जो सिंगुलर फॉर्म है टूथ वो क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, वह कितने प्रकार का होता है। तो मनुष्यों में इस चीज़ को समझा जाएगा। तो टीथ, मनुष्यों में टीथ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स में थीकोडांट है, एक्रोडांट, होमोडांट, हेट्रोडांट, डिसीडुअस, मोनो डाई या फिर पॉलीफियोडॉन्ट है कंडीशन। तो थीकोडांट क्या है, यानी जब किसी भी जीव में उसके टीथ यानी दांत जबड़े में स्थित सॉकेट में फिट होते हैं, गड्ढों में फिट होते हैं, तो ये दांत थीकोडांट कहलाते हैं, यानी दे आर फिक्स इन द सॉकेट्स ऑन जाबोन। तो जबड़े की हड्डियों में जो गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें जब दांत फिक्स होते हैं तो इन दांतों को थीकोडांट कहते हैं। और जब सॉकेट में फिट नहीं होते तो ऐसे दंत विन्यास को एक्रोडांट कहा जाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले टीथ क्या शेप और साइज, आकार और आकृति में समान है अथवा नहीं समान है? अगर वो समान है शेप एंड साइज में तो होमोडांट कहलाते हैं, और अगर असमान है तो उनको हम हेट्रोडांट कहते हैं। फिर डिसीडुअस यानी मनुष्य में मिल्की या लैक्टियल टीथ को डिसीडुअस कहते हैं। ये पूरे दो बार उगते हैं, एक मरतबा ये दूध के दांत के रूप में, फिर उसके बाद दूसरी बार उगते हैं। फिर मोनोडाई और पॉलीफियोडांटे का मतलब होता है कि क्या दांतों का विकास एक बार हुआ है, दो बार हुआ है या दो से अधिक बार हुआ है। यदि एक बार डेवलपमेंट जो है वंस ही एक बार होता है तो मोनोफियोडांट कहलाता है, दो बार होता है पूरे लाइफ साइकिल में तो फिर ये डाइफियोडांट कहलाता है, और दो से अधिक बार होता है तो ये पॉलीफियोडांट कहलाता है। मनुष्य में जो दांतों की विशेषताएं आती हैं, उन विशेषताओं में जो अभी टर्म्स लिए गए उनमें से थीकोडांट, हेट्रोडांट, डाइफियोडांट और डिसीडुअस है। मतलब क्या हुआ कि थीकोडांट का मतलब क्या है कि मनुष्य में जो दांत है वो जाबोन में स्थित सॉकेट में फिक्स होते हैं, यानी जबड़े में स्थित गड्ढे में फिट होते हैं, इसलिए मनुष्यों के इस प्रकार के दांत को थीकोडांट कहते हैं। कुल 32 दांत पाए जाते हैं। इन 32 दांतों में कुल 4 प्रकार के हैं, जिनके शेप और साइज अलग अलग है। इसीलिए दांतों के शेप और साइज अलग होने के कारण मनुष्यों के दांतों को हेट्रोडांट कहा जाता है। डाइफियोडांट, इनमें मिल्की टूथ पाए जाते हैं, मिल्की टीथ, इसलिए इनको डाइफियोडांट कहलाते हैं। ये दो बार निकलते हैं, और डिसीडुअस की मिल्की लैक्टियल टूथ इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको डिसीडुअस कहा जाता है।
यानी डिसीड्यूस का मतलब हुआ मिल्की टीथ या लैक्टिल टीथ, और डाइब्यूटान का मतलब होता है ये पूरे लाइफ टाइम में दो बार निकलते हैं, ठीक है, पहले 20 और उसके बाद 12, कुल मिलाकर के 32 दांत इसमें पाए जाते हैं। 32 दांतों में दो प्रकार के मिल्की और परमानेंट। मिल्की टीथ जो होते हैं इनकी कुल संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ की संख्या 12 होती है। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन भी होते हैं और मीजोडर्मल इन ओरिजिन भी होते हैं। तो अब हम ये देखें कि मनुष्य में जो दांत है वो कुल कितने प्रकार के हैं। मनुष्य में कुल दांत 4 प्रकार के हैं कि इंसिजन, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हैं। नंबर 1 इंसिजन, नंबर 2 कनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर और नंबर 4 मोलर। मनुष्य में इंसिजन की कुल संख्या, इंसिजन की कुल संख्या 8 होती है। इसमें से 4 ऊपरी जबड़े में स्थित होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं। कनाइन की कुल संख्या जो है ये इंसिजर की कुल संख्या 8 होती है। इसमें से 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। यानी कुल 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं। एक इंसिजर, नंबर 2 कनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर और नंबर 4 मोलर। तो इंसिजर दांत पाए जाते हैं, इनकी कुल संख्या 8 होती है। इसमें से 4 अपर जा में होते हैं, 4 लोअर जा में होते हैं, तो कुल मिलाकर के 8 होते हैं। कैनाइन टीथ की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में भी 2, तो कुल मिलाकर के 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या भी उतनी होती है जितनी इंसिजर में। प्रीमोलर की संख्या जो है ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4, कुल मिलाकर के 8 होती है। और मोलर की जो संख्या होती है वो 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में, कुल मिलाकर के 12 होती है। तो इस तरह से 32 की पूरी संख्या हो जाती है, जिसमें से 8 इंसिजर, 4 कैनाइन 12 और 8 जो है वो प्रीमोलर 20 और फिर 12 जो है मोलर, कुल मिलाकर के 32 दांत हो जाते हैं। दांतों के बीच जो गैप आते हैं उनको डायस्टेमा कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न दांतों के बीच में जो गैप रिक्त स्थान आते हैं उनको डायस्टेमा कहते हैं। दूसरी चीज़, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर एक आता है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर का मतलब वे संरचनाएँ हैं जिनका जो उपस्थित तो होती है लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होता। तो इसमें मनुष्य चूँकि शाकाहारी जंतुओं में गिना जाता है, इसलिए कैनाइन और फिर थर्ड मोलर, कैनाइन और ये थर्ड मोलर, ये जो टीथ है जिसको कि हम विजडम टीथ, थर्ड मोलर और विजडम टीथ, ये अक्लदाढ़ कहलाता है, अक्लदत्ता। इसका कोई कार्य नहीं है, ये फंक्शनलेस है, इसलिए इनको वेस्टिजियल स्ट्रक्चर माना जाता है मनुष्यों में। तो अब उन्हीं की गिनती आप करिए जिसमें इंसिजर है, यानी मनुष्यों में दांत 2 प्रकार के, एक दूध के दांत और एक परमानेंट दांत। तो इंसिजर 2+2, यानी जो जबड़ा होता है ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, प्रत्येक जबड़े को 2 भाग में बांट दीजिए। तो ऊपरी जबड़े में 2 भाग, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। निचले जबड़े में 2 भाग, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड।
इंसिजर की कुल संख्या 8 होती है, प्रत्येक जबड़े में इनकी कुल संख्या 4 है, यानी ऊपरी जबड़े में लेफ्ट साइड में दो, राइट साइड में दो, तो जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दो है, जो उसमें आगे है वो फ्रंटियल कहलाते हैं, जो आगे है देखिए सेंट्रल इंसिजर कहलाते हैं, और जो पार्श्व में स्थित होते हैं वो लैटरल इंसिजर कहलाते हैं। तो दो लेफ्ट साइड, उसमें से एक जो है वो सेंट्रल और दूसरा जो है वो लैटरल इंसिजर है। ये मिल्की टीथ है, यानी ये दूध के दांत है, ये मतलब निकलते हैं तो फिर टूटते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। फिर कैनाइन, इनकी भी कुल संख्या 4 है, लेकिन ये भी मिल्की टीथ है, ये दूध के दांत है, दो ऊपरी जबड़े में है और दो निचले जबड़े में, दो ऊपरी जबड़े में और दो निचले जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में लेफ्ट और राइट दो हिस्सा है, लेफ्ट हिस्से में एक राइट हिस्से में, इनकी कुल संख्या 4 है। ये मिल्की टीथ है, यानी दो बार निकलते हैं, एक बार निकल कर टूटते हैं फिर दूसरी बार निकलते हैं। फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर की कुल संख्या 8 है, जितना इंसिजर है उतना ही प्रीमोलर है, लेकिन 8 जो इंसिजर है वो मिल्की है, लेकिन 8 जो प्रीमोलर है वो परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये दूध वाले दांत नहीं है, ये एक ही बार निकलते हैं। 4 की संख्या में ऊपरी जबड़े में होते, 4 की संख्या में निचले जबड़े में होते, यानी प्रत्येक जबड़े में दो लेफ्ट साइड में और दो राइट साइड में होते। फिर मोलर, मोलर की कुल संख्या 12 है, इसमें से 8 जो है, 12 में से 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये दूध के, यानी एक बार तो निकलते फिर टूटते हैं, और फिर 4 जो है ये परमानेंट है, दो ऊपर और दो नीचे, यानी प्रत्येक जबड़े में दो जो थर्ड मोलर है, विजडम टीथ है, वो परमानेंट है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे जो दूध के दांत आए वो 20 हो गए, और जो परमानेंट दांत हो गए वो 12 हो गए, तो टोटल जो है 32 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। अब एक डेंटल फार्मूला होता है दंत सूत्र, तो दंत सूत्र हम लिख करके ये निकाल लेते हैं कि कुल कितने दांत ऊपरी जबड़े में हैं, कुल कितने दांत जो है निचले जबड़े में। तो डेंटल फार्मूला का एक तरीका है लिखने का, उसमें नंबर ऑफ टीथ ऑन हाफ ऑफ द अपर जा, यानी प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में जितने दांत होते हैं प्रत्येक प्रकार के, वो अनुपात में लिए जाते हैं, तो जो अनुपात आता है वो उससे 2 से गुणा कर दिया जाता है। तो 2 से गुणा करने के बाद अपर जा में और लोअर जा में कुल दांतों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कुल ऊपर के जबड़े में जितने दांत हैं और नीचे के जबड़े में जितने दांत हैं, कुल का टोटल ले लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कितने दांत ऊपर जबड़े में, कुल कितने नीचे, कुल मिला करके कितने हैं। तो डेंटल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो ऊपरी प्रत्येक जबड़े, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, यानी 1/4 जो है प्रत्येक जबड़े का, 1/4 पूरा माउथ कैविटी का ले लेते हैं ऊपर और नीचे। तो ये आता है 2, 1, 0, 2 बटे सेम नंबर 2, 1, 0, 2, यानी ये जो 2 है ये आपका इंसिजर है, और 1 जो है ये कैनाइन है, और 0 जो है ये प्रीमोलर है, और 2 जो है ये मोलर है।
यानी जब हम दंत सूत्र लिखेंगे तो ICPM के क्रम में लिखेंगे। I stands for incisor, C stands for canine, P stands for premolar and M stands for molar। तो I बटे I, C बटे C, P बटे P और M बटे M into 2। तो चूंकि मनुष्यों में दो प्रकार के दांत हैं, एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत, इसलिए दंत विन्यास दो प्रकार से लिखे जाएंगे, एक दूध के दांत के लिए और दूसरे जो है स्थायी दांत के लिए। तो दूध के दांतों में दो इंसिजर, एक कैनाइन, कोई प्री मोलर नहीं होगा, मोलर जो तीन होते हैं उनमें से थर्ड मोलर इसमें नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर इसमें मिलेगा। तो जो हमारा मिल्की टीथ का फार्मूला आएगा वो 2102/2102 × 2 ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में कुल पांच दांत आएंगे तो पूरे हिस्से में 10 हो गए, और निचले जबड़े के आधे हिस्से में पांच दांत आएंगे तो निचले पूरे जबड़े के हिस्से में 10 दांत हो गए, तो 10 ऊपर और 10 नीचे कुल मिलाकर के 20 दांत जो है ये दूध के दांत लगेंगे। और फिर एडल्ट्स में यानी वयस्क मनुष्य में जहाँ की दांत स्थायी हो जाते हैं उसमें एक चेंजिंग आती है, वो चेंजिंग प्री मोलर और मोलर में आ जाती है। प्री मोलर के जो दोनों दांत हैं वो दिखाई दे देते हैं और मोलर में थर्ड जो मोलर है विजडम टीथ यानी अक्लदंता वो भी दिखाई देता है। यानी दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्री मोलर और तीन मोलर। तो कुल मिलाकर के ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 8 दांत, तो ऊपरी जबड़े के कुल भाग में 8 × 2 = 16, निचले जबड़े के आधे भाग में 8 दांत, तो निचले जबड़े के पूरे भाग में 8 × 2 = 16, तो ऊपरी जबड़े में कुल 16 दांत, निचले जबड़े में भी कुल 16 दांत, यानी कुल मिलाकर के आपको 32 दांत मिल जाएंगे। तो डेंटल फार्मूला लिखने का ये तरीका हो गया कि हम प्रत्येक जबड़े को दो हिस्से में बांट लेंगे और उस हिस्से में आने वाले इंसिजर, कनाइन, प्री मोलर और मोलर को ICPM के क्रम में लिखेंगे, फिर कुल दांतों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें दूसरे बढ़ा देंगे। ये है फंक्शंस ऑफ टीथ। तो इन दांतों का काम क्या है? तो इंसिजर जो है ये भोजन को काटने का काम करते, कटिंग टीथ। कनाइन जो है ये भोजन को चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं। तो क्योंकि मनुष्य शाकाहारी माना जाता है इसलिए इसमें इस दांत का कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए इसको वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मानते हैं, वेस्टिजियल अवशेषी रचना, इसको हिंदी में अवशेषी रचना, अवशेषी अंगों के अंतर्गत लेते हैं। फिर प्रीमोलर ये भी चिड़फाड़ का और ग्राइंडिंग पीसने का काम करते हैं। मोलर जो है मूल रूप से भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो कटिंग, टीयरिंग, टीयरिंग विथ ग्राइंडिंग एंड ओनली ग्राइंडिंग दी फोर, ये फंक्शन से हमारे ICPM के। फिर उसके बाद ये भाई स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी संरचना क्या है इसकी। तो संरचनात्मक रूप से पूरे दांत को तीन भागों में बांट लेते हैं। एक वो भाग जो मसूड़े के ऊपर दिखाई देता है और एक वो जो कि मसूड़े में के साकेट में फिट होता है। तो एक वो जो मसूड़े के अंदर फिट है उसको रूट कहा जाता है, और एक वो जो मसूड़े के ऊपर हमको दिखाई देता है विजिबल पार्ट वो क्राउन कहलाता है, और दोनों का जो संधि तल होता है वो नेक कहलाता है, ग्रीवा, उसको नेक कहते हैं। क्राउन पोर्शन में दो भाग आते हैं, एक इनेमल,
दूसरा डेंटाइन, और फिर इस डेंटाइन के नीचे कैविटी होती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं, और फिर रूट होता है जो कि सीमेंटेड और रॉट कैना रूट कैनाल से इम्पेडेड होता है। तो इनेमल जो होता है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ये एमियोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। ये मनुष्य में सबसे सख्त सबसे कठोर भाग है, इससे कठोर भाग जो है मनुष्य के शरीर में नहीं होता। ये रासायनिक रूप से कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो हार्डनेस एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। तो ये इनेमल का मुख्य बात है कि ये एक तो एक्टोडर्मल है, इसका सिक्रेशन जो है एमियोब्लास्ट से होता है, और फिर ये हार्डनेस पार्ट है, ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और दांत का जो सबसे अधिक पोर्शन आता है वो डेंटाइन कहलाता है। ये बल्ब का टूथ है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ये ओडोंटोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। ये भी बहुत कठोर है, ये हड्डियों से ज़्यादा कठोर है। तो बल्ब कैविटी जो होती है वो ब्लड वेसल्स और नर्व से भरी पड़ी होती है, और इसका इलॉन्गेशन जो है रूट में रूट कैनाल के अंतर्गत होता है। तो ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर हुआ टीथ का। इसमें हमको याद रखना पड़ेगा कि संरचनात्मक रूप से तीन भाग आते हैं इसमें। क्राउन जो कि जबड़े के ऊपर हमको दिखाई देता है, एक रूट जो जबड़े के अंदर घसा होता है, और एक नेक जो इनका संधि तल बनाता है। क्राउन में दो मुख्य पार्ट इनेमल एंड डेंटाइन। इसमें इनेमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, रूट कैनाल में इनका एलोंगेशन होता है, तो ये बेसल पार्ट बनाते हैं। तो ये जो है पूरे दांत के स्ट्रक्चर का खास बात हुई। ये इनेमल जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एमियोब्लास्ट सेल से सीक्रेट होता है, और जो डेंटिन है या डेंटाइन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ये ओडोंटोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। ये मुख्य बात है जो आपको याद रखना चाहिए। अब ये प्रश्नों में आते हैं, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास इस तरह से करेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आने जाए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, विजडम टीथ इन ह्यूमन इज, यानी जो अकल दाढ़ होता है वो तीसरा मोलर टीथ होता है, इनकी कुल संख्या चार होती है, दो ऊपर और दो नीचे। तो हमारा ये आंसर से हुआ, डेंटिन इज सीक्रेटेड बाय, अभी ये हुआ ओडोंटोब्लास्ट है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। The hardest constituent of the tooth is, अभी स्ट्रक्चर में बात क्लियर हुई है, the hardest part of the body है enamel, तो ये भी टूथ का hardest constituent हुआ। फिर what part of the tooth bears the force of chewing, तो ये क्राउन ऊपरी भाग जो है इसको वहन करता है। The dental formula for an adult is 2, 1, 2, 3. The 2 हुआ इसमें incisor, 1 हुआ canine, 2 हुआ premolar और 3 हुआ molar. इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि what does the 1 stands for? तो ये जो 1 है वो canine को शो कर रहा है। ये फिर अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द नंबर एंड टाइप ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के नंबर और टाइप के बारे में जो चार बातें की गई उसमें से कौन सी बात है सत्य है? तो ये 32 की संख्या में कुल होते हैं, और जो लास्ट इमर्जिंग
सबसे अंत में निकलने वाला जो टीथ होता है वो विजडम टीथ कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पार्ट, टीथ ऑफ द एडल्ट ह्यूमन नॉट प्रेजेंट इन मिल्क डेंटिशन आ, यानी दूध के दांत इनमें से कौन नहीं होते, प्री मोलर्स जो है ये दूध के दांत नहीं होते, ये परमानेंट होते। डायस्टेमा इज ए टूथलेस गैप, यानी दांतों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो डायस्टेमा कहलाता है। इन द जॉज ऑफ रैबिट बिटवीन प्री मोलर्स एंड मोलर्स ये स्थिति बनती है। तो हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी इसको उत्तर में लेंगे। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ मोनोफियोडॉन टीथ इन मैन इज, एक बार निकल जाता है, ये कुल 12 होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं, 32 में से 20 मिल्की होते हैं जो दो बार निकलते हैं, और मोनोफियोड इनका डेवलपमेंट एक ही बार होता है वो 12 दांत होते हैं। फिर उसके बाद हाउ मेनी टीथ इन मैन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, दो बार निकलते हैं दूध के दांत, दो बार निकलते हैं और दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब 20 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी इज, ये अभी क्लियर हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में वो इनमें है, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट, टीथ ऑफ ह्यूमन आर जो मनुष्य मानव के जो दांत है उसके बारे में ये विशेषताएं हैं, उनमें से कौन सी विशेषताएं सही मानी जाए। तो एक तो ये एक्रोडांट ऐसा नहीं है, ये थीकोडांट होता है, गड्ढे में स्थित होते हैं। डाइफ्योडांट दो बार निकलते हैं, एंड हेट्रोडांट शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ए ह्यूमन बेबी नॉर्मली हैज डेंटल फॉर्मूला, एक मनुष्य के बच्चे का जो दंत सूत्र है उसमें दो इंसीजर, एक कैनाइन, कोई प्री मोलर नहीं, दो मोलर, कुल मिला के 5 दांत ऊपर, 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे, कुल 20 दांत, जो ऑप्शन ए से हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द ह्यूमन टीथ हेल्प इन कटिंग, कटिंग टीथ जो है हमारा इंसीजर है जो भोजन को काटने का काम करता है। पल्प कैविटी ऑफ अ टूथ इज लाइन पल्प, डेंटिन से ओडोन्टोब्लास्ट है इसलिए ये ओडोन्टोब्लास्ट। फिर उसके बाद द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ इज, लिविंग पार्ट इज द पल्प, पल्प ये लिविंग पार्ट है, जबकि हमारा इनेमल जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज, एक वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है, तो फिर दंत सूत्र में दो आपके इंसिजर हो गए, एक जो हो गया वो कैनाइन हो गया, दो जो प्री मोलर और 3 मोलर हो गए, तो 2 1 3 2 5 3 8 16 ऊपर और 16 नीचे, कुल 32, ऑप्शन की से होगा। डेंटल फार्मूला इज गिवन टू शो, यानी जो दंत सूत्र दिए जाते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, डाइफ्योडॉन्ट नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन बोथ जा, नोमोडॉट कंडीशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ नंबर, कितने संख्या में कितने प्रकार के दांत दोनों जबड़े में होते हैं, ये दंत सूत्र से प्रदर्शित होता है। अगला, इन मैमल दी टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एम्बेडेड इन कप लाइक सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, और फिर उसके बाद ओनली 2 सेट्स प्रेजेंट थ्रूआउट लाइक, ये मैमल के स्तनधारी जंतुओं के मैमल के टीथ के बारे में ये
तीन बातें कही गई। उन तीन बातों के आधार पर मैमल्स के टीथ के बारे में कौन सी बात 1, 2, 3, 4, 5 विकल्पों में है। तो एक तो ये थीकोडॉन्ट है, दूसरे ये हेट्रोडॉन्ट है, शेप साइज में अलग अलग है। थीकोडॉन्ट का मतलब जबड़े के गड्ढे में स्थित होते हैं, और डाइब्रियोडॉन्ट जो है डेवलपमेंट दो बार होता है। से हमारा बी आंसर जो है ये सही होगा, लेकिन जो बी है वही ई भी है, थीकोडॉन्ट डाइब्रियोडॉन्ट है हेट्रोडॉन्ट। तो बी और ई ये दोनों एक ही तरह के ऑप्शन है, ये सही है। पे अगला क्वेश्चन, विजडम टीथ आर, तो थर्ड मोलर जो होता है यानी लास्ट मोलर, यही अक्लदार होता है, लास्ट मोलर ये विजडम टीथ कहलाता है। द नंबर ऑफ टीथ दैट ग्रो वंस इन ह्यूमन लाइफ इज, एक बार जो ग्रो करते हैं वो कुल 12 है। 20 दूध के दांत होते हैं जो दो बार। बल्क ऑफ टूथ इन ए मैमल इज फॉर्म्ड आर, तो डेंटाइन जो है ये बल्क ऑफ टूथ के अंदर डेंटाइन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टीथ अपीयर ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ मनुष्य से संबंधित है। दो बार उड़ने वाले कुल 20 दांत ये मिल्की टीथ कहलाते हैं। फिर द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला है वो इंसीजर, दो ऊपर दो नीचे, इंसीजर कैनाइन 1/1, पीएम 2/2 एंड मोलर 3/3, ये कुल 32 हो गया। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, The hardest constituent of tooth is, जो सबसे सख्त पार्ट होता है वो enamel कहलाता है। The next, teeth which are absent in human baby, मानव के बच्चे में जो टीथ नहीं होते यानी जो मिल्की टीथ में नहीं आ रहे वो premolar है, ये इनके दंत सूत्र से कह रहे हैं। इस तरह से आपका ये आज का क्वेश्चन सब हो गया।